ये है दिल्ली दर्पण। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का तीसरी बार बतौर सीएम राजतिलक हुआ। दिल्ली में प्रचंड जीत के साथ सत्ता में वापसी कर रहे केजरीवाल के साथ उनके 6 मंत्रियों ने भी शपथ ली। केजरीवाल के बाद मनीष सिसोदिया, गोपाल राय, इमरान हुसैन, सत्येंद्र जैन, कैलाश गहलोत और राजेंद्र पाल गौतम ने भी शपथ ली। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने उन्हें शपथ दिलाई। तैयारियों में शामिल वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि लगभग 5000 सुरक्षा कर्मी, 125 सीसीटीवी कैमरे, 12 एलईडी स्क्रीन लगाए गए हैं और 45,000 कुर्सियों का इंतजाम किया गया है। लोगों को खड़े होने के लिए भी जगह दी गई है। केजरीवाल ने लोकसभा और स्थानीय निकायों के सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ पूरे शहर को आमंत्रित किया है। सभी नव निर्वाचित विधायकों को भी निमंत्रण दिया गया है। केजरीवाल के शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता भी पहुंचे। शपथ ग्रहण समारोह का मुख्य आकर्षण सुपर 50 के लोग रहे, जिसमें डॉक्टर, ऑटो चालक, बस कंडक्टर, सफाई कर्मचारी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शामिल थे। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए खुशबू शर्मा की रिपोर्ट। सब लोग अपने अपने गाँव में फोन करके बोल देना, हमारा बेटा सीएम बन गया दोबारा, अब चिंता की कोई बात नहीं है। अभी चुनाव हुए, कुछ लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया, कुछ लोगों ने बीजेपी को वोट दिया, कुछ लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया, कुछ लोगों ने अन्य पार्टियों को वोट दिया, लेकिन आज जब मैंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, आज से मैं सबका मुख्यमंत्री हूं। मैं आम आदमी पार्टी वालों का भी मुख्यमंत्री हूं, मैं बीजेपी वालों का भी मुख्यमंत्री हूं, मैं कांग्रेस वालों का भी मुख्यमंत्री हूं, मैं दूसरी पार्टी वालों का भी मुख्यमंत्री हूं। पिछले 5 साल जब मैंने काम किया, मैंने कभी किसी के साथ सौतेला व्यवहार नहीं किया, मैंने कभी किसी का ये कह के काम नहीं रोका कि तुम बीजेपी वाले हो, तुमने मेरे को वोट नहीं दिया था इसलिए मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगा। मेरे पास कोई बीजेपी वाला आया या कांग्रेस वाला आया या दूसरी पार्टी वाला आया, मैंने सबके काम करे। मेरे को पता चला ये मोहल्ला बीजेपी का है, मैंने वहां भी गलियां बनवाई, वहां भी पानी की पाइपलाइन डलवाई, सबके लिए काम करा मैंने, और आने वाले 5 साल के अंदर भी आज मैं अपने सारे दिल्ली के 2 करोड़ दिल्ली वासियों को, अपने दिल्ली के 2 करोड़ दिल्ली परिवार को ये कहना चाहता हूं, चुनाव खत्म हो गया, आपने जिसको भी वोट दिया, अब आप सारे जने, आप सारे दिल्ली के 2 करोड़ लोग मेरा परिवार हो। आप चाहे किसी भी पार्टी के हो, आप मेरे परिवार का हिस्सा हो। कभी भी कुछ भी काम हो, बिना हिचक मेरे पास आ जाना, सबका काम करूंगा, चाहे कोई किसी पार्टी का हो, चाहे कोई किसी धर्म का हो, चाहे कोई किसी जात का हो, चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई गरीब हो।